हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में रैशनल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो कि हम अप्लाई करने वाले थे वो पढ़े थे और फिर हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करी है लास्ट 2 वीडियोस में। इस वीडियो में हमारा फोकस है एक्सरसाइज 1.2 में। एक्सरसाइज 1.2 में 2 टॉपिक्स हैं। एक है तुम्हारा नंबर लाइन, कि तुम्हें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है ऑफ द गिवन नंबर्स, और सेकेंड टॉपिक है फाइंड रैशनल नंबर्स। तुम्हें 2 रैशनल नंबर दिए जाएंगे और उनके बीच में और रैशनल नंबर्स ढूंढ के देने पड़ेंगे। अब आते हैं नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। तुम्हें दिख रहा है एक्सरसाइज 1.2 पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तुम्हारे नंबर लाइन्स पे हैं। क्वेश्चन 1 में भी फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा 7/4। अब 7/4 रैशनल नंबर है क्योंकि PQ फॉर्म में है और हमें इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 7/4। अब 7/4 लाई किस बीच में, किस नॉर्मल नेचुरल नंबर्स के बीच में लाई करेगा। तुम्हें पता है जो डिनोमिनेटर होता है ना उसको न्यूमरेटर पे लिख लो, डिनोमिनेटर तो वही रहेगा। तो 4/4 हो गया। 4 की टेबल में नेक्स्ट नंबर तुम्हारा 8 आता है तो 8/4 हो जाएगा। तुम्हें पता है 4/4 वैल्यू देता है 1 और 8/4 वैल्यू देता है 2, और तुम्हारा 7 ऑब्वियसली 4 और 8 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब मेरा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। सिंपली मैं जब नंबर लाइन ड्रॉ करूँगी तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगी 1। अब 1 और 2 के बीच में सब लाइन्स कितनी होनी चाहिए, तो जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है ना उसमें से 1 रिड्यूस करके 3 होने चाहिए। इसका मतलब मैं अपनी स्केल लूंगी, इक्वल डिस्टेंस पे। विदाउट स्केल ड्रॉ करोगे तो तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे पेपर में। जहाँ पे 1 है वहाँ पे तो तुमने 1 मार्क कर दिया, जहाँ पे 2 है उसको मार्क कर दिया, फिर जहाँ पे 3 है वहाँ पे मार्क कर दिया, जहाँ पे 4 है वहाँ पे मार्क कर दिया, और जहाँ पे 5 है वहाँ पे मार्क कर दिया। और मुझे तो 3 चाहिए था, इसका मतलब ये मेरा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है। अब मेरा यहाँ पे ये क्या, 1 क्या एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है, 4/4 करता है, तभी तो 1 आया है। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5/4। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 6/4। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 7/4। और 2 एक्चुअली में कब आता है, 8/4 से होके आता है, और मुझे शो करना था 7/4। तो ये मैंने नंबर लाइन पे शो कर दिया है। मैं तुम्हें और क्वेश्चंस करवाते जाऊंगी तो तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और नंबर लाइन है तो हमें इसको दोनों साइड एरो से दिखाना पड़ेगा। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, वो है -5/6। ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर आ गया तो वही बात आ गई। फिर से मेरे को देखना है कि 5/6 को किस 2 नेगेटिव नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो मैं पता है जब मैं 6/6 लिखती हूँ तो 1 हो जाएगा, और 0/6 लिखती हूँ तो 0 हो जाएगा, और तुम्हें पता है 0 और 6 के बीच में 5 आता है न्यूमरेटर को देख के। तो इसका मतलब मेरा स्टार्टिंग 0 होगा, और ये ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पे -1 होगा ये। ठीक है, हम इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर देंगे, 0 के पास कोई साइन नहीं होती है। तो हमारी नंबर लाइन अब कैसी होगी, ऐसी होगी। हमने यहाँ पे 0 दिखा दिया। अब मुझे 0 और -1 के बीच में कितने सब लाइन्स दिखानी है, सब पॉइंट्स, कितने सब पॉइंट्स दिखाने हैं। तो मैं 6 - 1 करूँगी तो 5 दिखाने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। जहाँ पे तुम्हारा 0 था वहाँ पे तो तुमने 0 मार्क कर दिया, जहाँ पे 1 है वहाँ पे तुमने मार्क कर दिया, जहाँ पे 2 है वहाँ पे मार्क कर दिया, जहाँ पे 3 है, जहाँ पे 4 है, और जहाँ पे 5 है, और लास्ट में तुम्हारा यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, और इसको ऐसे एरो से इंक्लोज्ड कर दोगे। अब तुम्हें पता है 0 कब आ रहा है, जब तुम्हारा 0/6 है। -1 कब आएगा, जब -6/6 है। इसका मतलब ये -5/6 होना चाहिए, यहाँ पे -4/6 होना चाहिए, यहाँ पे -3/6 होना चाहिए, यहाँ पे -2/6 होना चाहिए, और यहाँ पे -1/6 होना चाहिए। और तुम्हें क्या शो करना था, -5/6। तो ये रही तुम्हारी नंबर लाइन। वैसे ही क्वेश्चन 2 रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन 2 पे इन्होंने एक ही क्वेश्चन में 3 नंबर्स दे दिए हैं और उन तीनों को तुम्हें एक ही नंबर लाइन पे शो करना है। तुम्हें दिखाई दे रहा है नीचे 11 है, तो जब मैं 11 को 11 से डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा। 0 को 11 से डिवाइड करूँगी तो 0 आ जाएगा, और -11/11 को करूँगी तो -1 आएगा। अब मेरा नेगेटिव नंबर्स हैं तो इसका मतलब मुझे वो 0 और -1 के बीच में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि तुम देख रहे हो -2, -5, -9, 0 और -11 के बीच में लाई करते हैं। सेम नंबर लाइन तुम्हें नेगेटिव की ड्रॉ करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 शो कर देंगे। अब तुम्हें पॉइंट्स कितने चाहिए, तो 11 - 1 10 सब पॉइंट्स होने चाहिए तुम्हारे पास। तो ये जहाँ पे 1, 2, 3 स्केल लेके तुम इनको मार्क करोगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब तुम्हें पता है 0/11 तो 0 होगा, -11/11 -1 होगा, तो इसका मतलब ये -10/11 होगा, ये -9/11 होगा, ये -8/11 होगा, ये -7/11 होगा, ये -6/11, ये -5/11, ये -4/11, -3/11, -2/11, -1/11। और तुम्हें शो कौन से करने थे, -2/11 तो ये रहा। फिर हमें शो करना था -5/11 तो ये रहा। और फिर हमें दिखाना था -9/11 तो ये रहा था। अब इससे तुम्हें बहुत ही आसानी से नंबर लाइन ड्रॉ करने की मेथड आ गई होगी समझ में। अब रैशनल नंबर्स फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, एक है एलसीएम वाली मेथड जो कि बहुत ईजी है, और एक होती है हमारे पास फॉर्मूला है, एक तरीके से लगा लो x + y/2 वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये इसको यूज़ करके, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड में जाती है, जिनको एलसीएम लेना नहीं आता है या नहीं समझ में आता वो ये वाली यूज़ कर सकते हैं। तो पर ये कि एलसीएम लेना बहुत ही आसान टॉपिक है, तो ये सही रहेगा। मैं 1-2 क्वेश्चन तुम्हें x + y/2 वाली मेथड से भी कराऊंगी और मेजॉरिटी में एलसीएम वाली मेथड से करवाऊंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 बहुत ही आसान है, उन्होंने कहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तुम्हें पता है 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, 5 नंबर्स हो गए। और तुम कहोगे मैम ये रैशनल नंबर कैसे, ये PYQ फॉर्म में नहीं, तो हमें पता है इनके नीचे 1 होता है डिनोमिनेटर में, तो सारे PYQ फॉर्म में आ गए, तो ये क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए। क्वेश्चन 4 है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड हाफ। तो -2/5 को हम यहाँ पे लिखेंगे, हाफ को मैं यहाँ पे लिखूंगी। अब हमें एलसीएम नंबर ऐसा चूज करना है कि इन के बीच में 10 नंबर्स फॉर्म होने चाहिए। अब अगर मैं एलसीएम 10 लूँ, 502 की टेबल में 10 आता है, तो हमें पता है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा, तो सिंपली ये हो जाएगा -4/10 और ये हो जाएगा 5/10। अब देखो इसके बीच में 10 रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 तो नहीं आ रहे, 8 रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, तो ये एलसीएम तुम्हारा क्या हो गया, छोटा हो गया। अब हम एलसीएम 20 ले लेते हैं, हमें पता है 5 × 20 होता है और 10 × 20 होता है, तो ये हो जाएगा -8/20, ये हो जाएगा 10/20। अब इनके बीच में 10 नंबर्स हैं हमारे पास, लिख लो -7/20, -6/20, -5/20, और हम किसी को भी चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें सीरियल ऑर्डर में ही चाहिए, ठीक है। हम किसी को भी चूज कर सकते हैं, हमें सीरियल ऑर्डर में नहीं चाहिए, ऐसा कोई रूल है नहीं। 5/20, 8/20, -1/20, 4/20। अब काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 नंबर्स मिल गए। हमें x + y/2 के मेथड से करेंगे, ठीक है। जैसे पहला है 2/3 एंड 4/5, मेरा 2/3 x है और 4/5 क्या है, y है, और मुझे 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं, तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। हम क्या करेंगे, पहले x + y को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करना है हमने, तो इनकी एडिशन 2/3 + 4/5 / 2, तो ये हो जाएगा, एलसीएम आएगा इसका 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10 + 12 / 2। अब / 2 का तुम्हें पता है क्या हो जाता है, इंटू हाफ हो जाता है, तो ये हो जाएगा 22 इंटू हाफ अपॉन 15, तो 21 हो जाएगा, तो तुम्हारा एक रैशनल नंबर क्या आ गया, 11/15 आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, इस 11/15 को किसी अदर नंबर के साथ ऐड कर लो, जैसे कि तुम 2/3 के साथ कर लो, और हमेशा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगेन एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे हमें 5 से 15 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके 5 से 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 + 10 इंटू हाफ हो जाएगा डिवाइड का, तो ये हो जाएगा 21/15 इंटू हाफ। तो मैं पता है 3 7s 21, 3 5s 15, तो ये सिंपली हो जाएगा 7/10। फिर अब तुम चाहे 7/10 को ऐड कर लो या 11/15 जो तुम्हारा फर्स्ट रैशनल नंबर आया था उसको 4/5 से कर लो। इलेवन बाई 15 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 15 है तो इंटू 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 + 12/15 इंटू हाफ। तो ये हो जाएगा 23/15 इंटू हाफ, कुछ कैंसलेशन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 23/30। अब हम 7/10 का कर लेते हैं, 7/10 प्लस 2/3 के साथ डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा एलसीएम 30 आएगा इसका, तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20 इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा सिंपली 41/60। तो तुम्हें दिख रहा है कि हमने 4 रैशनल नंबर्स ढूंढ लिए हैं बिटवीन गिवन 2 नंबर्स। तो ये मेथड थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इससे बेटर है कि तुम एलसीएम ढूंढो आसानी से, क्योंकि टीचर ऐसा कुछ नहीं कहने वाली कि x + y/2 की मेथड से करो या फिर एलसीएम वाले मेथड से करो। शी इज़ ओनली गोइंग टू आस्क, या टीचर से बात करेगी कि टीचर से पूछेगी कि रैशनल नंबर ढूंढो बिटवीन गिवन 2 नंबर्स। अब जो सेकेंड पार्ट है वो हम एलसीएम से ही करेंगे। -3/2 एंड 5/3, 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, तो हम कर लेते हैं इंटू 3 और यहाँ पे भी 5/3 इंटू 2 इंटू 2, तो ये नंबर्स हो जाएगा -9/6 और यहाँ पे हो जाएगा 10/6। और हमें सिर्फ कितने नंबर्स ढूंढने हैं, 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं, तो ये तो हो गए -8/6, -5/6, 0/6, 2/6, 4/6, तो हो गए तुम्हारे 5 रैशनल नंबर्स। तो रैंडमली कोई भी चूज करके लिख देना। 1/4 एंड 1/2, 40 एलसीएम ले सकते हैं हम इसका, तो ये तो सिंपली हो जाएगा 1/4 इंटू 10 इंटू 10 और यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 20, तो ये सिंपली हो गया 10/40 और ये हो गया 20/40। और इसके बीच में अगेन कोई भी 5 रैशनल नंबर्स चूज करके लिख लो, 11/40, 13/40, 15/40, 16/40, 18/40। क्वेश्चन 6 अगेन बहुत ही आसान है। राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। अब ग्रेटर देन -2 का है तो ऑब्वियसली -1, 0, 1, 2, 3, तो हमने ढूंढ लिए हैं 5 रैशनल नंबर्स। अगेन इनके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 1 है और ये रैशनल नंबर्स हैं। हमें 10 रैशनल नंबर्स ढूंढना है बिटवीन 3/5 एंड 3/4। अगेन एलसीएम ढूंढो इनके, ऐसा एलसीएम ढूंढो कि इनके बीच में क्या आ जाएंगे, 10 नंबर्स बन जाएंगे। 100 कर लेते हैं हम एलसीएम और यहाँ पे हो जाएगा 25, तुम्हें पता है ये हो जाएगा 60/100 और ये हो जाएगा 75/100, तो इनके बीच में कोई भी 10 नंबर्स चूज कर लो। 61/100, 63/100, 65/100, 68/100, 70/100, 71/100, 72/100, 73/100, 74/100, 62/100, तो हमारे 10 रैशनल नंबर्स हो गए हैं इन दोनों गिवन 2 नंबर्स के बीच में। ऑब्वियसली इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन तो पेपर में आता ही है कि तुम रैशनल नंबर ढूंढ के दो या फिर वो तुम्हें कहेंगे नंबर लाइन ड्रॉ करके दो। तो ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, आसान चैप्टर है। इसमें इसको एक दो बार रिवाइज कर लोगे तो तुम्हें एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा एक्स्ट्राज ऑफ रैशनल नंबर्स पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रैशनल नंबर्स के जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो फॉर रेगुलर अपडेट्स के लिए।